धूप धूल बारिश थकान और नींद से लड़ते हुए हम यानी अरुणाचल आइडल की टीम पहुंच गए हैं हिमालय की गोद में बसी इस शहर में बोमदिला। अगर अरुणाचल में कहीं जन्नत होगा तो उसमें बोमदिला का नाम जरूर आएगा। उसके ऊपर बुद्ध भगवान के प्रार्थना झंडे यहीं की हवाओं में मानो रंग भर देता है। लेकिन आज देखना यह है कि किसकी आवाज में वो दम होगा जो हमारे जजेस को अपने रंग में रंग देगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं बोमदिला ऑडिशन और चलते हैं हमारे जजेस के पास। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? मनोज सिदसो। आप कहाँ से आ रहे हो? तावांग से। आप तावांग से आए हो यहाँ बोमदिला ऑडिशन के लिए? आप स्टूडेंट हो? अरे स्कूल में ना, कॉलेज में? स्कूल में ना। और आपका कोई फेवरेट जज है यहाँ पे? कौन है? ओ मैम, ओ चलो ओके। आप अरुणाचल आइडल कब से फॉलो कर रहे हो? फॉलो तो नहीं है सर, अभी मतलब जस्ट इंटरेस्ट लगा था देख के। अच्छा, इसलिए कोशिश करके देखिए। इससे पहले आप ऑडिशन दिया था? आपका पहला ऑडिशन? ओके, जा नहीं पाया। अच्छा, जा नहीं पाया ना। एनी वेज गुड लक, अंदर जाके बढ़िया से परफॉर्म करिएगा। गिव योर बेस्ट। थैंक यू। हेलो, क्या नाम है आपका? मेनी लेमे। कहाँ से हो आप? यही से बोमदिला से हो? नहीं, हम इस कमिंग का सेपा गए तो दिरंग में बैठते। और सेपा से आई हो यहाँ पे? नहीं, दिरंग से आए। दिरंग से? जी। दिरंग में पढ़ाई करती हो आप? पहला कंटेस्टेंट हो, अच्छे से गाओ, ठीक है? कोई नर्वस नहीं, आराम से, ठीक है सर? तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा ये जुदा दोनों का फासला। ठीक है, थैंक यू सो मच ना आने के लिए। आपको बहुत काम करना पड़ेगा, ये सिर्फ हॉबी है अभी आपका ना? जी। आई थिंक इससे बियॉन्ड जाना है तो आपको बहुत रियाज करना पड़ेगा। अगर अरुणाचल आइडल जैसे स्टेज में आए हो तो प्रिपेयर होके आना है। 6-7 गाने ऐसे फट से याद होना है, ठीक है? मेरे तरफ से आज ना है, सो सॉरी। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लग जाग ले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। सबसे पहले आपका आवाज हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आप आवाज़ के साथ अगर अभी आपको सिंगिंग को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा, मेरा तरफ से बिल्कुल आप ईटानगर आ सकता है आपका आवाज़ के दम पे। हरकत में आपका प्रॉब्लम था, जहाँ पे बहुत मतलब ना लेजी आपने किया, काम नहीं किया आपने। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक गोइंग अगेंस्ट जेलीज, मेरे तरफ से आज ना है। आज आपका वो जो चाहिए था वो निकल के नहीं आया शायद। सिंगिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पूर था मेरे ख्याल से, तो इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड आल्सो। अच्छा, आपका नाम क्या बोला? तेंजिन रिकी। तेंजिन रिकी, ओके, वी विल कॉल यू रिकी। एग्जैक्टली, ओके रिकी, कम ऑन रिकी, शो इट। वापस किनारे पे आना, मैं बोलूं रजा हूँ कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं।
और यू नो आप में कुछ खास बात है आपका, यू नो आपका गाने का स्टाइल, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो था बिकॉज वो होता है, वो तो ऑडिशन में होता है, इवन हर किसी को होता है। मेरा पर्सनल ये फीलिंग है क्योंकि आप बहुत, मतलब आप बहुत आगे जा सकते हो क्योंकि आप में वो कैलिबर है ना, आप में वो टैलेंट है, आपकी जो स्टाइल है सिंगिंग की खासकर मुझे वो बहुत इम्प्रेस किया। एक यूनिक स्टाइल है राइट, जिस तरह से आपकी मतलब खुद का वो आपका एक स्टाइल है, उस पर बहुत काम कर सकता है। अगर जितना वो उस पर काम करेगा उतना आप निखार के रहेगा। अगर आप वो थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो कंपटीशन का लेवल तो आपको पता ही है, थोड़ा हाई, मतलब थोड़ा नहीं बहुत हाई है, और मुझे पता है आप आराम से कर सकते हो। मेरे तरफ से बिल्कुल बिल्कुल 100% हाँ है। आप में फीलिंग तो बहुत है, जो गा रहे हो वो आप एकदम फील करके गा रहे हो, विच इज़ समथिंग दैट मोस्ट सिंगर्स लैक। इन्होंने जो बोला ना वो बहुत सही है, आपका स्टाइल अच्छा है। शुरू में जो शुरू किया वो लग रहा था कि किसी और को कॉपी कर रहे हो, लेकिन आप धीरे धीरे अपने आप में आ गए, क्योंकि ऐसा होता है ना जो आप में नहीं है ना वो आप लंबे टाइम तक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फोकस ऑन योर सिंगिंग देन स्टाइल। अगर आप, हमने जो जो बोला आपको उस पर फोकस करोगे तो आप आगे जा सकते हो। तो मेरे तरफ से भी हाँ है। ठीक है, ओके। मैं भी आपको हाँ कह दूँगा, बट द थिंग इज आई एम क्वाइट डाउटफुल कि आप मेगा ऑडिशंस के बाद आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने दो जो गाना गाया उसको एक ही स्टाइल में गाया आपने और एक ही किस्म से गाया आपने गाने। कभी कभी ऐसा होता है गाना के हिसाब से आपको मॉड्यूल भी करना होता है कभी गाना ना, तो इसको थोड़ा सा चार, मैं आपको आपको हाँ कह रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना होगा। देखिए आपका आवाज़ ना, आपका सिंगिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है क्योंकि आपका बहुत मॉडर्न स्टाइल है। ठीक है, वो चीज़ को पकड़ो, कुछ भी मत सोचो और बस प्रैक्टिस करो। जी जी, बहुत आगे जाओ। अभी गाने में ध्यान देना, सिंगिंग में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यस यस, रिकी ऑल द वे फ्रॉम टॉम, थैंक यू। आप की प्रैक्टिस और ज्यादा प्रैक्टिस करो। नाइस टू मीट यू रिकी, सी यू इन इटानगर। ओके, प्लीज फोकस ऑन व्हाट वी टोल्ड यू। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होगी, अरे हमसे खुलेंगे वो आज नहीं तो कल, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लफ छोड़ कर, फिर तू चुका करके नजर। आई डोंट नो, हमको पता नहीं कि आप ये एम्यूलेट कर रहे हो या वो आपका सच का वॉइस है, किसी और की तरह गा रहे हो या अपना वॉइस है, वो समझ में नहीं आ रहा। बट टोनल क्वालिटी इज़ नाइस, बट अदर देन दैट आई डोंट सी एनी थिंग इन द सेंस कि आपका फिनिशिंग का सेंटेंस, आप ख़त्म जब करते हो तो आपका हरकत हो, मतलब ना बहुत ही क्या बोलते हैं, केयरलेसली आप गा रहे हो। यू हैव अ गुड वॉइस, यू हैव अ ग्रेट वॉइस। गाना का जो ये मेरा सजेशन है एक्चुअली, थोड़ा डायनेमिक्स के साथ में थोड़ा सा ना, अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदा, जो ठहराव चाहिए ना उस पर थोड़ा काम करो। ठीक है, यू हैव अ गुड वॉइस, यू ग्रेट वॉइस, इनफैक्ट शायद मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बेस्ट वॉइस। हम लोग रुक ही रहे थे कि कहीं से कोई आए कुछ अच्छा गाने ऐसे चले, ऐसे कंटेस्टेंट हमको चाहिए था। बिल्कुल, आई थिंक मेरे लिए अभी तक, मैंने जितने भी अभी तक ऑडिशन किए, आई थिंक फॉर मी लाइक यू आर द बेस्ट कंटेस्टेंट अभी तक का। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपकी आवाज़ अच्छी है कि डिक्शन, मुझे मतलब पता नहीं था कि आपके प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी होगी,
आपको थोड़ा सा गाइडेंस की, थोड़ा सा बस थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरी है, आप बहुत आगे जा सकते हो। मुझे आपको अभी मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, अगर आपकी आवाज़ ऐसी है, मतलब जस्ट ऑडिशन पे जब आप मेन स्टेज पे अगर पूरा सेटअप के साथ, पूरा माइक्रोफोन के साथ, पूरा एकदम ट्रैक के साथ आप गाओगे, तो आई डोंट नो आपकी आवाज़ कैसी होगी ऑनेस्टली। थैंक यू सर, आई एम सो इम्प्रेस। थैंक यू सर, मुझे आपको आगे दिखना है, ठीक है? सो गुड, गुड लक। थैंक यू सर। Tashdile, thank you for coming. We'll see you in Itanagar, Tenzin. Thank you, sir. जैसे मैडम ने बोला कि कुछ कुछ चीज़ है ना, आप गाना जब स्केल हाई होता है जरूरी नहीं कि वही स्केल पे गाना, आपका कंफर्टेबल जोन पे गाओ, ठीक है? अब आप जिस लेवल पे आपका टोन इज जा रहा है उस पे गाओ, ठीक है? गुड लक, जो कम फिट आने को मिलते हैं। हाँ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्या गले का अच्छे से ख्याल रखो। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी एक्चुअली। उम्र दो है, दो शब्द आते हैं वो भी यूज करते हैं, देख रहे हैं हम। दुकान सर, ये बहुत आगे जाएगा, आगे ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। अभी देखा उसने ना पेट से जितना भी सांस से छोटा जगह करके गया, छोटा जगह से ऐसे टैले था। मैं लिटरली आई एम सो हैप्पी, करो इस बार अंदर से रोना आता है। कांग्रेचुलेशंस टेंजिन, थैंक यू सर, यू आर द सेकंड कंटेस्टेंट जो बमदिला ऑडिशन से सेलेक्ट हो गया। हाउ आर यू फीलिंग? ये पहला एक्सपीरियंस है अरुणाचल आइडल में कॉन्टेस्ट करने के लिए, मुझे एक चांस मिला सर, सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मैं आज सेलेक्ट हुआ ऑडिशन में पहला राउंड में। ओके, जजेस का क्या कमेंट रहा? माय वॉइस इज गुड। ओके, अगेन जेली सर टोल्ड दैट आई एम सीइंग यू द फाइनलिस्ट। ओके, वाओ, दैट्स अ ग्रेट कमेंट। एंड एनीवेज, कुछ सीखने को मिला अंदर जाके आज? जी सर, जो मेरा अंदर कमी है सर। सो डेफिनेटली आप अगर मेगा ऑडिशन आती हो तो आपको और प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा, बिकॉज मेगा ऑडिशन थोड़ा टफ होने वाला है, बिकॉज एंटायर अरुणाचल का बेस्ट सिंगिंग टैलेंट्स आके वहाँ कम्पीट करेगा। बट आई एम प्रीटी श्योर आप एकदम आके वहाँ आके अच्छा करोगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई सी यू इटानगर। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जाना चुरा लिया। थैंक यू, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे तहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरा आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे होठों पे। आराम से, आराम से, नर्वस मत हो, ठीक है? तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपने मुझको, यूँ तो नहीं दिया, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा मिले, पूछो तुझे एक बार, तू ही है मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। कहा लास्ट वाला खा दिया, चाहूं मैं या ना। कमॉन, कमॉन बमदिला। ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला है ये दिल। मैंने उसके गले को छोड़ा, मैंने गले में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। हाँ संगे, दिख रहे हो आपका एनर्जी, मतलब आपका एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा है संगे, लेकिन सिंगिंग में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि आइडल का मंच आपको पता है, इसका ग्राफ बहुत ऊंचा है, राइट? तो
उस हिसाब से आपको मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा. आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. या आप 2-3 साल में आइएगा, ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके सुभाष, बहुत काम करना पड़ेगा आवाज में. गुड लक. ओके सुभाष, थैंक यू सुभाष. चुरा लिया नेक्स्ट प्लीज. नजर नहीं चुरा. नहीं नहीं नहीं, इसलिए सुनने ट्राई कर रहा था. नहीं हो. ओ ये क्या शायद ये है क्या छुट्टी. हेलो, नमस्ते. हम बोले क्या नाम है आपका? प्रिया देवी. प्रिया देवी. ओके, कहाँ से आई हो? कलकत्ता से आए हो. ओके, आपके साथ कौन आया अभी? पापा. पापा. आपकी उम्र क्या, आपकी एज क्या है अभी? 13 ईयर्स. वो हमारे शो में तो 13 ईयर्स, तो 13 ईयर्स के कम के सिंगर का अलो तो नहीं है. हम लोग 15 से ऊपर लेता है. ठीक है, ये आपको पता था? पता फिर भी आप आई हो. कोई नहीं, आप गाना गा दीजिए. चलिए गाना गा के सुन. आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं सुना दो. ट्रैक के साथ? नहीं नहीं, ट्रैक नहीं, ऐसे गाइए. आपका सिर्फ वॉइस सुन. ठीक है. सुन साहिब सुन प्यार की धुन. हाँ मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन. सुन साहिब सुन हाँ प्यार की धुन. कोई हसीना कदम पहले बढ़ाते नहीं, मजबूर दिल से ना तो पास आते नहीं. हाँ मजबूर दिल से ना तो पास आती आती नहीं. खुशी मेरे दिल को हद से भी ज़्यादा है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है. हाँ प्रीत के ये धागे तू भी संग मेरे बुन. सुन साहिब सुन हाँ प्यार की धुन. हाँ थैंक यू प्रिया. हाँ प्रिया, आपको वही पे खराब लगती है प्रिया. ये आपको पता है ना, ये कंपटीशन जो 15 इयर्स के जो नीचे वाले बच्चों को हम मतलब नहीं लेते, समझ. आपको पता है ना, ये आपकी आवाज़ बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत स्वीट वॉइस है. ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकती हो. अभी आपके पास और 2-3 साल हैं. 2 साल के बाद अब जब आपकी 15 इयर्स हो जाएंगे, आप फिर से अरुणाचल आइडल में आओ. ठीक है, अभी सो आपको पापा को एक बार बुलाओ यहाँ पे. शुड बिकम स्टार, शुड बी अ स्टार. यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस. ठीक है, बहुत स्वीट आवाज़ है आपकी और गायकी भी बहुत अच्छा है आपका. ठीक है, बस स्माइल करो. पापा को बुलाओ. प्रिया आप तो बहुत आगे जाओगे. हाँ गाते रहिएगा. ठीक है, एकदम प्रैक्टिस करते रहो करते रहो. हाँ आप तो मोस्ट आदमी से. आइए आइए प्लीज आइए साथ में. नमस्ते अंकल. नमस्ते. ओके, आपकी बेटी तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही उसकी मीठी आवाज़ है. अभी इसको म्यूजिक सिखा रही है क्या? सिखाया है. बहुत अच्छा, क्योंकि आप पक्का वो चीज़ कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है. मतलब नेचुरल आवाज़ बहुत अच्छी है ना. इसको अभी गाइडेंस की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है. थोड़ा क्लासिकल की जो बेसिक चीज़ है ना, उसको अभी से ट्रेन कीजिए. और जैसे आपको पता है, ये शो का एक लिमिट है हम लोगों का, 15 साल के नीचे वाले बच्चों को हम नहीं लेते, ये आपको पता है ना. तो क्योंकि अभी उसका उम्र भी छोटा है, और उसको और थोड़ा प्रैक्टिस करने दीजिए, क्योंकि अरुणाचल आज सीजन में हर साल ही आते रहेगा. तो 15 साल के बाद अभी 2-3 साल खूब रियाज करने दीजिए. ठीक है, उसके बाद लाइए इसको. ठीक है, थैंक यू बाबा. म्यूजिक भी सीखो और स्टडी अच्छे से करना. ठीक है, पढ़ाई भी अच्छे से करना. गुड लक. थैंक यू. गुड लक. गुड लक प्रिया. आपको मिलते हैं. हाँ 2 साल के बाद अरुणाचल आइडल में. ठीक है, ठीक है. सो स्वीट है. जानुसला राम संगले नेपाली. यस्तो हो म यस्तो छु म त्यस्तो छु, जससुकै भए पनि दामी छु, काल परे म हार्दा. अरे बाप रे, बहुत अच्छा गा दिया यार. क्या बोलेगा यार, कोई गाता ना अच्छा गाता तो हमको सेम यार. नो हाई फाइव फॉर यू एनीमोर. क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीना सोचूजू. ओके, कहाँ से हो? मैं बोमदिला से. बोमदिला से. ओके, गाना गाती हूँ जी. क्या गाते हैं सुना दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आराम से सुना दो. ठीक है. मैनू इश्क तेरा ले दूभा
हाँ इश्क तेरा ले धूबा, ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। Then diction के हिसाब से भी तो it's a no from my side unfortunately, but keep singing. Thank you so much. Thank you for coming, Nina. Thank you so much. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना गाने में, जो किसी के पास गायकी का जो एक तरीका होता है ना, वो आपको और थोड़ा सा आपको और पक्का करना, ठीक है ना। वॉइस बहुत अच्छा है ऐसे मानिए, ठीक है। और आज अगर हम लोग ना भी बोल रहे हैं ना, तो आप डिस्करेज मत हो जाए, ठीक है ना। आप घर जाइए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, सुनिए गाना को ना। आप शायद गाना को ज़्यादा सुनती नहीं है, आप ज़्यादा गाती है ना। सुना कीजिए गाना को, 10 बार सुनिए, 1 बार गाइए गाना, ठीक है। तो आपको पता हो जाएगा कि कैसा आपको गाना है, ठीक है ना। वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस, 10 बार सुनिए, 1 बार गाइए, ठीक है। ठीक है, गुड लक चंदा। ओके, थैंक यू चंदा, थैंक्स फॉर कमिंग। ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से जांजे, कोई टोह टोह ना लाए, किस तरह ये रिहाई सुलझे। हे रोम रोम एक तारा, हे रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। अब ये सब गाना सुनते हो जी, इस तरह गाने सुनते हो ना, हाँ। ये सब गाने गाने इस तरह गाने तो सिलेक्शन करो, क्योंकि आपका वॉइस से ऐसे गाने मैच करे ना, और ऐसे भी बादल थम जाए, इस तरह का गाना सिलेक्शन, या तो सुनिधि चौहान का गाना सिलेक्ट करके इस तरह का गाना प्रिपेयर करो। ओके जी सर, मेरे तरफ से भी आप ईटानगर आ सकती हो, एक चांस मुझे आपको मेगा ऑडिशन आपको देना है, ठीक है। मेगा ऑडिशन आपको प्रूव करो हम तीनों को, ठीक है। डिसअपॉइंट नहीं होगा सर, या गुड, आ जाओ। खेल जैसे नहीं लेना है, हाँ, आप किसी का जगह ले रहे हैं, क्योंकि आपका टैलेंट हो, हाँ, गुड लक। क्या क्या याद से मिले गए कपूरे दे कपूरे दे विच रू है लुकिया, आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। तेरी वजह से मुँह फेर
खुदा से मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। और जो जो रूहानी जो फील होनी चाहिए ना जी दैट वाज देयर इन योर सिंगिंग लाइक आई फेल्ट इट। थैंक यू सो मच। एंड आई गेस आई एम नो वन टू जज यू लाइक ना मतलब तुम्हारा सिंगिंग को सुनने के बाद में मेरे ख्याल से हमको आपको जज करना ही नहीं चाहिए। यू जस्ट कम एंड टेक योर व्हाटएवर। यस थैंक यू सर। कम ऑन दोजी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम टू अरुणाचल आइडल सीजन 3। आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हां ऐसे गाते रहिएगा बस। गुड लक। थैंक यू। मुझे इटानगर में मिलेगा। थैंक यू मैम। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ। सीरियसली ना प्योर ना वो सो सुपर गुड लक। थैंक यू। तो ये है हमारे 10 लकी कंटेस्टेंट्स जो बोमदिला जोनल ऑडिशन को पार करके मेगा ऑडिशन ईटानगर के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ये है अरुणाचल आइडल सीजन 3। And don't forget to follow us, Arunachal Idol, on Facebook, Instagram for more updates. जीरो आलो पासीघाट नामसाई और बोमदिला के बाद हम आखिरकार वापस पहुंच चुके हैं हमारी राजधानी ईटानगर में। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑडिशन से बहुत ही कामयाब रहा और हमें ऐसे ऐसे छुपे हुए टैलेंट्स मिले जिसे सुनकर आप भी कहने लगेंगे वाह वाह वाह। तो आइए आज देखते हैं कि ईटानगर में कितने ऑडिशन के लिए आए हुए कंटेस्टेंट्स को जजेस की तरफ से वाह वाह ही मिलेगी। Hi, good morning. Good morning, sir. What's your name? My name is Ekta Murtan. How old are you? I'm 19 years old. Okay, and where have you come from? Kahan se aaye ho? I'm come from Dapurija. Dapurija? For the my hometown is Dapurija, but okay. From Itanagar. Arunachal Idol season 3 mein aake aapko kaisa lag raha? It's very big honor for me. Acha lag raha hai. Season 1 se jana chahta tha main. Oh, you've been season 1 se follow kar rahe ho isko? Yeah, I'm following but okay. Also singing up as a passion follow karte ho na isko aap just as a hobby? एक तरह से बोले तो हॉबी एंड देन बचपन से ही मेरा बहुत पसंद था हमको गाना गाना पर पता नहीं था मंच के बारे में तो ये प्लेटफॉर्म मिला है इसलिए मैं इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। नाम बता दो क्या है सर? एकता मूर्तम। एकता मूर्तम। मूर्तम यस सर। कहाँ से हो सर? अभी तो फिलहाल ईटानगर पे रहती हूँ। दापोरिजो। बेसिकली दापोरिजो से हूँ। गाना सीखती हूँ सर? इतना तो नहीं सीखते पर बचपन से गाती हो मतलब? हाँ ठीक है। आज आप पहला कंटेस्टेंट हो तो अभी एक्सपेक्टेशन भी आपसे ज़्यादा है। आराम से ठीक है। हाँ, कोई नर्वस नहीं। अपने जो प्रैक्टिस करके रहा है वो अच्छे से सुना दो। ठीक है। ठीक है। गुड लक। थैंक यू। लक मैं जाने ये बार दू हर जीत भी हार दू कीमत हो कोई तुझे बिंत हम प्यार दू सारी हद मेरे अब मैंने तोड़ दी देखकर मुझे पता आवारगी बन गए हाँ हंसे बन गए हाँ नमी बन गए। पर आई वॉन्ट यू टू कीप सिंगिंग बिकॉज जेरी सर बोल रहा था बार बार ना कहीं कहीं पार्ट में इतना सुंदर गा रहा है बोल के बिकॉज सम पार्ट्स यू सिंगिंग वेरी वेल। ओके आज के लिए ना है आई थिंक आप थोड़ा प्रिपेयर करके आइएगा होगा थोड़ा
एक्चुअली पता है अभी हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑडिशन करके आए हैं पता है, तो कंटेस्टेंट इतना अच्छा अच्छा कंटेस्टेंट आया कि अभी आपको उनको कम्पीट करना होगा, तो मुझे लगता है कि आपको रेडी नहीं लग रहा, आप और प्रैक्टिस करो ठीक है। अभी आप ये जो गाया ये सब गाना में एक वॉइस का प्रोजेक्शन चाहिए, जैसे कि ना कुछ पूछा एक थ्रो आ रहा है ना, ना 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 कुछ बोला, ऐसे नहीं होता समझ रहे हो ना, थोड़ा लाउड करके प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा ठीक है। ठीक है आप अच्छा से खूब प्रैक्टिस करो, आपका आवाज़ अच्छा है, मैंने जैसे कि सचू मैम को बोला है कि आपका कुछ कुछ मतलब वॉइस अच्छा है ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा अभी ना, क्योंकि ये शो का लेवल बहुत ऊँचा है समझ रही हो ना। ठीक है गुड लक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके। अब और प्रैक्टिस करना पड़ेगा सोचो भैया, या प्रैक्टिस और नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करो ठीक है। गुड लक, थैंक यू सो मच, बाय गुमी, बाय, गुड लक। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। जब गाता है ना ऐसे ऐसे मुंह बंद करके नहीं गाना है, या खुला ना, खुला दांत बंद करेगा, तू ही है एकदम खुला ना, तू ही मत दबाओ ठीक है। आप दांत बंद करेगा ना तो आवाज नहीं निकलेगा बाहर ना, वो ब्लॉक कर रहा है आपका एयर को ठीक है। तो मेरे तरफ से हाँ है, मेगा ऑडिशन में आइए ठीक है। Congratulations. Thank you. How are you feeling? कैसा लग रहा है? Getting good. Feeling good. और जजेस ने क्या बोला? कैसा था उन लोगों का कमेंट? उन्होंने कहा कि थोड़ा ब्रीथिंग पे कंट्रोल करने की, थोड़ा बहुत नर्वस था इसलिए। ओके, मेगा ऑडिशन के लिए प्रिपेयर हो आप? मेगा ऑडिशन टफ होने वाला है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से बेस्ट सिंगर्स लोग आ रहा है। हाउ प्रिपेयर आर यू? आप कितना प्रिपेयर हो मेगा ऑडिशन के लिए? कुछ खास नहीं, अभी कर लूंगा प्रिपेयर। ओके, गुड लक फॉर मेगा ऑडिशन एंड कांग्रेचुलेशंस। झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, वे की करा वे की करा, मैं रख लूँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ये देख के दिल जुमा ले प्यार में अंगराई। हो तो पे तहर जा मैं खाब खाब सा तेरी आंखों में जागू रे, अभी अभी तो आई हो बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा। You're very good. I'm very glad you've come for Arunachal Idol. ठीक है, just it's a yes from me. मेरे तरफ से भी 100% yes है। और मेगा ऑडिशन में थोड़ा और अच्छा गाना प्रैक्टिस करो, और अभी से जितना टाइम मिलेगा ना और जितना प्रैक्टिस करेगा, बिकॉज आपका पास ऑलरेडी गिफ्टेड है। मैं बोल रहा था आपका हरकत इतना क्लियर है जैसे कि लग रहा है कोई सीख के जब कोई हरकतें आता ना, वो वाला हरकत आपके पास है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे और ये निखार के रहेगा समझ रहे हो ना। और प्रैक्टिस करो अभी जितना आपको टाइम मिलेगा, जब मेगा ऑडिशन जब अभी और टाइम है तो उसमें जितना टाइम मिलेगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है गुड लक, वेलकम टू अरुणाचल आइडल।
क्या नाम है आपका? तसीर इकिया। कहाँ से हो? जी दापरोजी से। ओके ताशी है नाम। जी हाँ सर, मैं आपको 2014 में कलकत्ता मिला था सर। ऑडिशन भी मिला जी आपको, विश भी दिया था, आप भूल गया होगा शायद। आई रिमेम्बर, हम आपसे लॉन्ग बैक ना। जी हाँ, दो तीन आपने के पीछे था सर। अरे हम भी ऐसे बस मतलब गाता तो बस ट्राई करने आया। एक्सपेक्टेशन अभी ज्यादा हो गए तो ऑब्वियसली बच्चे अच्छे ही गाते होंगे, आइडल पे गए होंगे तो अभी ठीक है, अच्छे से गाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। ये मोहम्मद रफी का है गुलाबी आके, इट्स फॉर यू मैम। हाउ स्वीट। आपका स्किल में नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक स्किल हाई करो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मतलब जो स्केल में आपका आवाज जो खुल के आ रहा है उसी स्केल में गाना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा काम करो, शराबी नहीं शराबी। और बहुत सारा है, बहुत सारा है। मेगा के लिए तो अभी हम दोनों आपको हाँ करें, लेकिन मेगा में बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत डिस्ट्रिक्ट से इतना अच्छा अच्छा सिंगर आएगी, आपको कंपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिक्शन में थोड़ा ध्यान दीजिए होगा तशी। ए रंग है इश्क इलाही मैनू इश्क लगा मेरे माहिदा, ए रंग है इश्क इलाहीदा मैनू इश्क लगा मेरे माहिदा। थैंक यू सर सो मच, आई एम सो, वी आर सो इंप्रेस्ड एक्चुअली। आसमानी सब है मगर है तुझे ढूंढे ये नजर। नॉर्मल गाना सेलेक्ट करो जिसमें आप कंफर्टेबली गा सकते हो, ठीक है, तो ऐसे गाना सेलेक्ट करो, क्योंकि आप में है कुछ खास बात ना, आपका सिंगिंग स्टाइल अच्छा है, वॉइस का एंडिंग भी अच्छा है, तो उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, ओके थैंक यू, गुड लक। तू ही है मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपने मुझको। ठीक है अजीत, मेरे तरफ से ना है, मजाक किया, हाँ है। ठीक है, लेकिन आप नर्वस नहीं होना, आप नर्वस का वही, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना है, बिकॉज अभी नेक्स्ट स्टेज में तो एकदम चांस नहीं मिलेगा, दो तीन गाना गाओ ऐसे बोलने वाला। ओके, आया 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 गाया और गया, हाँ ठीक है। तुझको मैं रख लूं वहां जहाँ पे कही है मेरा यकीन। गुड लक, गुड लक, वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। मुस्कुराने की वजह तुम हो, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में इतनी मोहब्बत करूँ ना मैं डूब ना जाऊँ कहीं, दिल दीवाना
बिन सजना के माने ना साचा तेरा मेरा मृग त्रिस सामो पिया मेरा जलाया होगा तूने जब फूल किताबों से एक अजनबी हसीना से यू मुलाकात हो गई सो सॉरी ना ना सर प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा ठीक है आप ना खराब डिसहार्टन मत होइए ठीक है आप गा लेता है ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ सर ओके बट नेक्स्ट ईयर आइएगा जरूर ओके गुड लक ठीक है चलो कोई नहीं अभी आइएगा आवाज सुनिए लेकिन नेक्स्ट में ऑडिशन देगा आपका नाम क्या है गुलाबी रियांग गुलाली गुलाबी रियांग गुलाबी रियांग यस वाह व्हाट अ लवली नेम आप कहां से है इसका मी सेपा से है लेकिन यहां पे रह रहा है अभी हां सेपा से है ओके क्या कर रहा है अभी यहां पे अभी तो ऐसे ही मतलब एक्चुअली थिएटर आर्टिस्ट है क्या है थिएटर आर्टिस्ट है ओह लवली ओके ओ एक मूवी किया है आई नो हाउ वेरी वेल अभी तो रिलीज नहीं हुआ है हां ए बिग big expectations ha now theater log to stage yes. presence bahut acha hota hai un log ka theek hai ab gaiye chaliye thank you ha maine chhu kar dekha hai ha ha maine chhu kar dekha hai mausam ki अदला बदले में ठीक है ना ओके गुलाबी बिकॉज शायद आप भी मेरे से बहुत फैमिली हो राइट और मैं भी आपसे बहुत फैमिली बिकॉज हम लोग काफ़ी काफ़ी जगहों पे मिले और आप अना की छोटी बहन थी ना हम सो सॉरी एक्चुअली बिकॉज जब अना का ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना आई वॉज इन बॉम्बे एक्चुअली I'm so sorry for that actually mujhe bhi rona aa raha actually our elder sister we used to perform together actually he's a professional singer but last year she expired actually I was in Bombay at the time once I come back from Itanagar I just heard that not so I was sure like it's okay isko dekh ke mujhe lag raha कश्ती का साहिल बना दिया जीना जीना रे उरा गुलाल माहे तेरे चूने रिया लहराई दिल का क्या राज है जाने क्या कर गए जिसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए जब जब तेरे पास में आया एक सुकून मिला ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर ये सुलझे अजीब दास्ता है
कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। नहीं 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 ये बातें है पुरानी, आज बोल ही रहा था हमने, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, थामा हरो का इसको किसने, हाय तो बहता पानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थैंक यू मैम। Welcome to Arunachal Idol. Thank you, ma'am. Good luck. Yes, sir. I'm so big fan. Oh, so sweet. Thank you so much. Thank you. Thank you then, sir. Bye. Yeah. Bye. Keep practice, huh? Okay, sir. See you in mega audition. Tujhko main rakh lu wahan jahan pe kahi hai mera yakeen, apni aankhein खाली कर दे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, पल एक पल मैं ही थमसा गया, तू हाथ में हाथ जोड़ गया, कोई नहीं, अभी जो सीखे आया वो कीजिए। माइक पे पर ज्यादा नहीं गाए इतना, ये आवाज नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे आएगा, ठीक है, नॉर्मल गाओ, अब जो भी जैसे गाने आराम से गाओ। कम ऑन दुई, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओड़े पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओड़े पिया रे। ओके, मेरे लिए एक इंग्लिश गाना गा देते जल्दी जल्दी, योर फेवरेट सॉन्ग। I got no excuses for all these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying inside. Call me when the six are gone,
and the cold sweats disappear. Call me when it's over, cause I'm dying inside. वो तो सिर्फ मेरे लिए था ठीक है ऐसे आपका आवाज बहुत यूनिक है यस वी हैव नॉट हर्ड अ वॉइस लाइक योर्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई इतना बार गाने दिया है ठीक है अब लेकिन हिंदी गाना नहीं आता है बोल के एक्सक्यूज नहीं होगा बिकॉज हिंदी सिंगिंग कॉम्पिटिशन है ओके तो आपका कॉम्पिटिशन इतना स्ट्रांग है काउंटर पार्ट्स आर रियली रियली स्ट्रांग सो इफ यू वॉन्ट टू गेट अहेड आई वॉन्ट यू टू गो बैक होम डू योर होमवर्क लिसन टू ऑल द new songs find lists of songs that they'll suit your voice theek hai aapka jo awaaz mein suit karta hai wahi gana lekin theek hai ya mere taraf se ha hai obviously naam bataiye nanu nanu ji suna dijiye acha sa gana वो नर्वस कोई नहीं एक लंबा सांस लो थोड़ा हाथ ऐसे से करो हो जाएगा कि ये जो दुनिया है ये वन है खाटों का तू फुल वारी है ओ और गा सकते कुछ कोई दूसरा और आराम से गाओ आराम से हाँ सांस लीजिए अब नर्वस मत हो नर्वस होंगे तो ना आपका सांस वो होगा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा आराम से इतना अच्छा आवाज लेके नर्वस क्यों हो रहे हो यार इतना बद्दा आवाज लेके भी कोई इतना कॉन्फिडेंट होता मैं देख रही हूं ना इसलिए मुझे बहुत डर है नहीं प्लीज इतना अच्छा आवाज है कम ऑन कोई दूसरा गाना दो लाइनें सुना दो तुझे चाह रब से भी ज्यादा फिर भी ना तुझे क्या बात है क्या बात है तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन थक ना जा सके जुड़ के भी टूटी रहीश केरी oh my God. डूरबे किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोरबे Oh my goodness, Nanung, 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 What? Nanung. So good. Honestly, बता रहा हूँ आप अरुणाचल के नेहा कक्कर बनने वाली हो अभी आप अरुणाचली नेहा कक्कर बनने वाली हो सेम टू सेम टोन है आप नेहा कक्कर को फॉलो करती हो ना ओ माई गॉड कितनी अच्छी आवाज़ है लेकिन अभी नानुंग ऐसे हैं क्या एक 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 क्रिटिसिज्म है वो बताइए क्योंकि आप गाना को एक्स्ट्रा कर रहे हो ना अभी इसको कोई आपको गाइडेंस देने वाला होना पड़ेगा लाजवाब बॉयज़ है अभी तक यू नो अरुणाचल में इसी आवाज़ ना फर्स्ट टाइम मुझे सुनने को मिला है खासकर फीमेल में बहुत अच्छी आवाज़ है आपका लेकिन उसको अभी टेक्निकली आपको सिखाना पड़ेगा कितना कितना गाना है कितना कम करना है अभी उसको वो जानना बहुत जरूरी है ओवर सिंगिंग नहीं करना है हम दोनों की तरह से बहुत बड़ी हाँ है वेलकम टू अरुणाचल आइडल ये कम नानुंग मेगा ऑडिशन में हिला दो We had a huge turnout here at the Itanagar auditions and ye hamare 81 lucky contestants jo mega audition ke liye qualify ho gaye hain abhi ye compete karenge baki zonal auditions ke selected contestants ke sath mega audition mein good luck guys and see you all at the mega audition ye hai Arunachal Idol season 3